गुड इवनिंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल. ए न्यू डे, ए न्यू ब्लॉग. अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो अभी से मैं मेरा ब्लॉग शुरू कर रही हूँ. बहुत दिनों के बाद मैं आ रही हूँ. थोड़ा सा तबीयत थोड़ा ख़राब थी और उसको रिकवरी हुआ है, बट बहुत ही कम हुआ है. एनीवे, आज थोड़ा बाहर जाना है क्योंकि अश्मिता का कुछ ड्रेस खरीदना है इंडिपेंडेंस डे के लिए. कुछ प्रोग्राम है अश्मिता का और स्कूल में होगा, तो चलो जल्दी से रेडी हो जाते हैं, उसके बाद बाहर जाना है और वो ड्रेस खरीदना है. चलो. हम लोग निकल चुके हैं और नज़दीक जा रहे हैं एक दुकान में. उस दुकान का नाम है स्वदेशी. मैं ये लाइट आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि कितना कितना सुंदर है पीछे का लाइट, और बहुत ही अच्छा लग रहा था. बहुत दिनों के बाद बाहर निकले और बाहर का नज़ारा ही अलग होता है. शाम के वक्त लाइट वगैरह जला रहता है तो बहुत सुंदर दिखने में लगता है, और ऊपर से आज पूर्णिमा है तो चाँद भी इतना सुंदर देखने में लग रहा था. मैं बता नहीं सकती बट रास्ते में आज बहुत ज़्यादा भीड़ था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, और शायद छुट्टी वगैरह सब फिनिश हो गया इसलिए सब घर आने की कोशिश कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा रास्ते में आज ट्रैफिक था. एनीवे, आ गए हैं, नज़दीक है, बहुत ही नज़दीक है. और ये जो स्वदेशी करके जो दुकान है ये सबके लिए है, किड्स से लेके वुमन मेन सबके लिए गारमेंट्स का ये दुकान है. और काफ़ी सारा ये देखिए, ये स्वदेशी है. बस अभी जाना है अंदर, और ये थर्ड फ्लोर तक है. फर्स्ट फ्लोर में ऐसे बॉयज़ का या मेन का है, उसके बाद लेडीज़ लोग रहता है, ऐसे फ्लोर है. तो अश्मिता का मैं यहाँ पे ड्रेस ख़रीदने के लिए आई थी, वाइट ड्रेस. इंडिपेंडेंस ड्रेस का कलर मुझे चाहिए था, वाइट और ग्रीन लेगिंग्स और ऊपर से दुपट्टा ऑरेंज कलर का, और ये ट्राई कलर का भी मिल रहा था, बट मैं चाह रही थी कि ऑरेंज कलर ले लूँ, तो ये भी अच्छा है. और ये वाइट कलर का उसको कुर्ती चाहिए था, तो एक बार देख लेते हैं कि सब ठीक ठाक है कि नहीं. और इधर नज़दीक एक स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट. ये पूरा ही फूड स्ट्रीट है, यहाँ पे सब खाने का चीज़ें मिलेगा, ऐसे डोसा वगैरह. फिर ये ग्रिल कर रहे हैं, ये चिकन ग्रिल हो रहा है और देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है. तो अश्मिता बोल रहे थे कि मम्मी सीख कबाब चाहिए, तो ये कबाब बन रहा है ऊपर से ग्रिल टाइप का. और बाकी सब स्टॉल में ऐसे मैगी, फिर नूडल्स या तो डोसा ऐसे मिलता है. देखिए ये डोसा का है. तो तिरंगा भी खरीदना था तो हम लोग तिरंगा खरीदे, और यही स्लोगन रहेगा, हर घर तिरंगा. तो इसके बाद हम लोग थोड़ा स्नैक्स खाने के लिए गए थे. तो यहाँ पर नज़दीक भारतीय जलपान करके एक रेस्टोरेंट है, ये है ये वो रेस्टोरेंट जहाँ पे चाट वगैरह सब मिलता है, तो बहुत ही अच्छा लगा वो खाने में. तो गाइस, यहीं पे मैं फिनिश करती हूँ आज का ब्लॉग. फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग के साथ, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर. बाय.